ऐसे राजनेता होंगे कि जहां से हमने जिस पार्टी को छोड़ा है वहां भी वर्क मांगते हुए हमने पार्टी छोड़ा है। सियासत में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। जिस हार्दिक पटेल के कंधों पर गुजरात में बीजेपी के विरोध की जिम्मेदारी थी उन्होंने भी पाला बदल लिया है। कभी बीजेपी के धुर आलोचक रहे हार्दिक पटेल भी अब भगवा हो गए। 2017 के बाद से गुजरात में कांग्रेस के खेवनहार रहे हार्दिक पटेल अब बीजेपी के हो गए। अहमदाबाद स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर कमलम में पार्टी की वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने से पहले हार्दिक पटेल ने कोबा इलाके से बीजेपी दफ्तर तक रोड शो किया जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। बीजेपी ज्वाइन करने से पहले हार्दिक पटेल ने ट्वीट कर अपने आप को बीजेपी का सिपाही बताया। राष्ट्रहित, प्रदेश हित, जनहित एवं समाज हित की भावनाओं के साथ नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहा हूं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्र सेवा के भागीरथ कार्य में छोटा सा सिपाही बनकर काम करूंगा। हार्दिक ने नए सियासी सफर की शुरुआत कर दी है। ग्रैंड ओल्ड पार्टी को छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दामन थाम लिया। बीजेपी में औपचारिक सफर की शुरुआत से पहले हार्दिक स्वामी नारायण मंदिर भी गए जहां उन्होंने गौ पूजा की। हार्दिक ने अपनी पुरानी पार्टी पर निशाना साधा और ये भी साफ कर दिया कि उन्हें पद का लालच कभी नहीं रहा। स्वाभाविक रूप से आज तक हमने कहीं पर भी पद की लालच में किसी भी प्रकार की मांग कहीं भी नहीं रखी। हम पहले ऐसे राजनेता होंगे कि जहां से हमने जिस पार्टी को छोड़ा है वहां भी वर्क मांगते हुए हमने पार्टी छोड़ा है। स्थान की चिंता कमजोर लोग करते हैं, मजबूत लोग कभी स्थान की चिंता नहीं करते। बहुत जल्द हर 10 दिन में एक इवेंट तैयार करेंगे जिसमें कांग्रेस पार्टी से जो नाराज विधायक है, जिला पंचायत या कैसे पंचायत के सदस्य है, निगम नगर निगम के जो सदस्य है उनको जोड़ेंगे। और मुझे भरोसा है कि जिस जनता को सेवा के इस भगीरथ कार्य में जहां कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार का काम करना नहीं चाहती वहां पर मैं आपके माध्यम से गुजरात के उन सभी दूसरे दल के नेताओं से आह्वान करता हूं कि आइए सब साथ मिलकर हमारे गुजरात के व्यक्ति जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में इस राष्ट्र की सेवा में अपना कार्य अवृत आगे चला रहे हैं तो उसमें हम लोगों को जुड़ना चाहिए। हार्दिक पटेल की सियासी शुरुआत पाटीदार आंदोलन के साथ हुई। 2015 में पाटीदारों को आरक्षण दिलाने के लिए हार्दिक सड़कों पर उतरे। आरक्षण के समर्थन में पटेल समुदाय के लोगों ने तब सड़क पर उतरकर खूब उत्पात मचाया था जिस वजह से हार्दिक पटेल को जेल भी जाना पड़ा और यहीं से हार्दिक पटेल पाटीदारों के बड़े नेता बनकर उभरे। '93 में अहमदाबाद के वीरम गांव में उनका जन्म हुआ। 2015 में पाटीदारों को आरक्षण दिलाने के लिए आंदोलन किया। 2019 में कांग्रेस का दामन थामा, कार्यकारी अध्यक्ष भी बने। 17 मई 2022 को कांग्रेस से इस्तीफा भी दे दिया। हार्दिक पटेल ने भले ही अब बीजेपी का झंडा उठा लिया है, भले ही बीजेपी के नेताओं का गुणगान करने लगे हों, लेकिन एक बात 100% सच है कि हार्दिक पटेल की सियासत में एंट्री बीजेपी के विरोधी के तौर पर हुई। 2015 में जब पाटीदार आंदोलन हुआ था तब हार्दिक पटेल बीजेपी को काफी भला बुरा कह रहे थे।